अभी हमारे राजनाथ सिंह जी बड़ी पीड़ा व्यक्त करते थे कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि भाजपा वाले चोर है। अब पता नहीं वो क्या कुछ भी बोलते हैं भाई, जो बोलते हैं उसको अगर इकट्ठा करके कहीं पर छाप दिया जाए तो हम हैरान हो जाएंगे कि इनके ये संस्कार है क्या, ये इनकी भाषा है क्या। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं हम चोर हैं, आपका आरोप हमें मंजूर है। हां हम चोर हैं, हमने चोरी की है और हमने कांग्रेस की नींद चुराई है, नींद। कांग्रेस का चैन चुरा लिया है, अब हम कांग्रेस को आजादी के बाद देश को लूटने वालों को हम चैन से बैठने नहीं देंगे, ये फैसला करके हम मैदान में आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देंगे, जरा यहां बड़ी आयु के लोग हैं वो बताएं, आप जिन मुसीबतों से गुजारा करते हैं क्या आप अपने बच्चों को ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं, आपके बच्चों को गरीबी में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, आपके बच्चों को बेरोजगार रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, आपके बच्चों को गांव गरीब छोड़ करके शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो। भाइयों बहनों, बेरोजगारी, मुझे यहां से दो दिन पहले किसी मुस्लिम सज्जन ने चिट्ठी भेजी है, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि मोदी जी आप बनारस आ रहे हैं लेकिन हमारी एक मुसीबत का जिक्र कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बस्ती में रहता हूं और हमारे यहां छोटे मोटे पावरलूम के साड़ी के कारखाने लगे हुए हैं, बोले रात रात चलते हैं, नींद नहीं आती है, परेशानी है, उसका कोई रास्ता निकालिए। उसने बेचारे ने अपनी वेदना प्रकट की। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए एक बनारस की साड़ी, मित्रों ये बनारस की साड़ी सिर्फ महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए है, इतना ही नहीं हिंदुस्तान की आर्थिक लाज बचाने की ताकत भी बनारस की साड़ी में है। इतना बड़ा उद्योग, इतने लाखों लोगों को रोजी रोटी देने वाला उद्योग बर्बाद करके रख दिया। जिस मित्र ने मुझे चिट्ठी लिखी थी वो शायद यहां आए हो या टीवी पर मेरा भाषण सुन रहे हो। मित्र, इसका उपाय है। एक समय था, देखिए हमारा सूरत का और काशी का नाता बहुत जुड़ा हुआ है। एक कहावत है, काशी का मरण और सूरत का जमण, यानी सूरत का भोजन और काशी का मरण, इन दोनों का महत्व ऐसा कहावत चलती है। सूरत में भी पावरलूम का बहुत बड़ा काम है, काशी में भी पावरलूम का काम है। एक जमाना था, सूरत में कभी आपको शाम के समय निकलो या अर्ली मॉर्निंग निकलो तो आपको ये पावरलूम की आवाज, आपके स्कूटर से पावरलूम की आवाज ज्यादा रहती थी। भाइयों बहनों, 10 साल के भीतर भीतर हमने एक अभियान चलाया, सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से आर्थिक मदद की व्यवस्था की और पूरे पावरलूम सेक्टर को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया और शहर के बाहर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़े किए। भाइयों बहनों, बिल्कुल
आवाज न करने वाली मशीनें बाजार में आ चुकी है। सरकार ने मदद की, बैंकों से सहायता दिलाई और आज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की क्वांटिटी और शांति का जीवन हम सूरत में मुहैया करा सके हैं। भाइयों बहनों, ये काम बनारस में भी हो सकता है। जो लोग मुझे पूछते हैं मोदी विजन क्या है, ये है हकीकत, है हकीकत, जाकर के जरा देख के आओ। भाइयों बहनों, अगर नेक इरादा हो, और मैं मानता हूं बनारस के साड़ी उद्योग को अगर अपग्रेड किया गया होता, आधुनिक रूप से उसका महत्व बढ़ाया गया होता, तो आज हिंदुस्तान में अकेले बनारस की साड़ी के नाम पर लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता, उनको जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वो चाइना से यान तो इंपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बनारस में साड़ी बनाने वाले की आजीविका का क्या होगा उसकी उनको परवाह नहीं होती है। इनकी नीतियां ऐसी हैं, इसके कारण मुसीबत आती है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान, ये पूर्वांचल पूरा, शायद पूर्वांचल का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसका कोई न कोई नौजवान मेरे गुजरात में न रहता हो। आप बताइए दोस्तों, अपना गांव छोड़ करके, मां बाप छोड़ करके, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके उसको गुजरात में जाने की नौबत क्यों आई? अगर ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता तो उसको अपना घर न छोड़ना पड़ता, गांव न छोड़ना पड़ता, खेत खलिहान न छोड़ने पड़ते, यार दोस्त न छोड़ने पड़ते, बूढ़े मां बाप न छोड़ने पड़ते। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है, वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए। आप मुझे बताइए मित्रों, सरकार में कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो सबसे पहले आपके मन में विचार क्या आता है? यही आता है ना कि यार किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, होता है कि नहीं होता है? नौकरी के लिए सबसे पहले आप सिफारिश खोजते हो कि नहीं खोजते हो? जरा जवाब दो दोस्तों, बिना सिफारिश को नौकरी मिलने की कोई गारंटी है? बिना खर्चा किए नौकरी मिलने की गारंटी है? ये बेईमानी का धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका कोई उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे पास उपाय है।